हाँ जी, टॉपिक फॉर द डे इज क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, तो आप क्या समझते हो क्वालिटी ऑफ सर्विस से, पहले तो ये बताओ। हाँ जी, और इंप्रूव सर्विसेज रनिंग इन द ओके। तो ये पॉइंट मैं रेड कलर से लिखना चाहूंगा, थोड़ा डेंजरस पॉइंट है आपका ये। ओहो, आया नहीं हमारे पर रेड। अवॉइड और कुछ आप क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में बताना चाहो। देखो मेरे को आपका एक लेवल जानना पड़ेगा, वहीं से उठा दूंगा। वही अवॉइड कंजेशन ही नहीं हो गया। हाँ जी, और बताइए दादा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्वालिटी ऑफ सर्विस? आपको तो पढ़ाया अभी तक सीसीएनपी में, याद है? एक ओवरव्यू दिया था इनकी क्लास को, याद है मुझे आज भी। हाँ जी, प्रोवाइड डेडिकेटेड बैंडविड्थ। हाँ जी, आप बताओ सर, आप क्या सोचते हो? बस कुछ आइडिया, जो आइडिया इनको था, कोई ऐसा आदमी जो नया पॉइंट देना चाहे। ये इसी में आ गया ना, इंप्रूव सर्विसेज रनिंग इन द नेटवर्क, बेटर नेटवर्क परफॉर्मेंस। हाँ जी, तो मुझे क्या लग रहा है, सारे क्या बहुत कंफ्यूज हैं किस बात को लेके, कि भाई क्या होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, अब मेरा एग्जांपल सुनना। मैंने कहा एक रोड पे क्या जा रही है, छोटा सा एग्जांपल है, सब गाड़ियां उसको रास्ता देंगी, जहां खाली रोड होगा वहां तो वो वैसे ही तेज चलेगी, जहां क्या होगा खाली रोड वहां तो वो वैसे ही क्या चलेगी, लेकिन जैसे ही रास्ते में कोई हर्डल आएगा, कोई गाड़ी आएगी, देखेगी क्या आ रही है, एम्बुलेंस अपने आप क्या दे देगी उसको साइड। एग्री? हम अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, सबसे पहली चीज क्या आएगी, सेकेंड थिंग थर्ड थिंग फोर्थ थिंग अब बंदे के माइंड में क्वेश्चन आया, यार पीयूष तूने ये तो बताया नहीं क्वालिटी ऑफ सर्विस होती क्या है। अपने राग गाने शुरू कर दिए कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को चार पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर रहा था, मैं अब इन चारों चीजों को आपको ओवरव्यू देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं? ओवरव्यू, कि मैं बात क्या कर रहा हूं। क्लियर? तो ध्यान से समझना,
हाँ जी यूजर वन की आईपी है क्या, इस सर्वर की आईपी है क्या 20.1। ये यूजर इस सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, सोर्स आईपी क्या होगी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी 20.1। एग्री, ये यूजर भी इस सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, इस यूजर की आईपी है 10.2, तो सोर्स आईपी क्या होगी 10.2, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी 20.1। दोनों ही ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड करेंगे, राउटर को। अब राउटर के लिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि कौन सा ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा ट्रैफिक इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा ट्रैफिक क्या है इंपॉर्टेंट और कौन सा ट्रैफिक क्या नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में आई? मैं क्या कह रहा हूं, आप रोड पे गाड़ी लेके चल रहे हो, एक नॉर्मल सी गाड़ी आई, साइड मांग रही है, आप दोगे? नहीं, आप कहोगे मैं तो अपनी लेन पे चलूंगा, साइड से निकल जा, मैं साइड नहीं दूंगा। लेकिन एक एम्बुलेंस आएगी, आप क्या दोगे? एम्बुलेंस को साइड क्यों दी भाई? नहीं, एम्बुलेंस पे एक मार्किंग थी, क्या थी? एक रेड लाइट लगी हुई थी, जिसके थ्रू आपको पता चला कि ये क्या है, एक एम्बुलेंस है। वैसे ही मेरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला कंसर्न क्या है, ट्रैफिक में ऐसा क्या होगा, ट्रैफिक में ऐसा क्या होगा कि जिससे राउटर को पता चलेगा ट्रैफिक क्या है इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक क्या है इंपॉर्टेंट है। एग्री, मेरे पास भी कंप्यूटर है, आपके पास भी कंप्यूटर है, दोनों ने ट्रैफिक फॉरवर्ड किया। कंप्यूटर कभी भी ट्रैफिक को मार्क नहीं, ट्रैफिक में मार्किंग होती कहां है ये बाद की बातें हैं। सबसे पहले समझना है मार्किंग जरूरी क्यों है, कि राउटर आइडेंटिफाई कर पाए ये ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है और ये ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है। अब मार्किंग करता कौन है? हाँ जी, मेरा ही राउटर मार्किंग करेगा, मेरा ही राउटर क्लासिफाई करेगा। देखो, क्लासिफाई करने का क्या मतलब है, आइडेंटिफाई करना, क्या करना? देखो, अब दो यूजर है, कौन से कौन, देखो ना डायग्राम में 10.1 और 10.2। मैं प्रायोरिटी देना चाहता हूं किसको, 10.1 को, तो सबसे पहले मुझे क्लासिफाई करना पड़ेगा किसको, 10.1 को। मैं राउटर को बोलूंगा जैसे ही तू आइडेंटिफाई करे 10.1 को, उसके ट्रैफिक को क्या कर दियो, उस पे रेड लाइट लगा दियो। क्या लगा दियो? एक कि आगे के जितने भी राउटर हैं जब भी ट्रैफिक को क्या करें, फॉरवर्ड करें, क्या करें, किसको फॉरवर्ड पहले करें, 10.1। तो क्लासिफिकेशन और मार्किंग समझ में आया क्या है? मार्किंग मतलब अपने ट्रैफिक पे प्रायोरिटाइजेशन करना, क्या करना अपने ट्रैफिक पे, क्लासिफिकेशन का मतलब आइडेंटिफाई करना है किस ट्रैफिक को मैं प्रायोरिटाइज करना चाहता हूं, क्लासिफिकेशन का मतलब है किस ट्रैफिक को हम प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, और मार्किंग का मतलब है रेड लाइट लगाना, क्या लगाना, रेड लाइट। अब क्वेश्चन ही आता है, बच्चा कहां कंफ्यूज होता है, मैं अगर आपको बताऊं, बच्चा क्या इंजीनियर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं रियल टाइम। R1 ने R2 को ट्रैफिक दिया, ठीक है, ट्रैफिक एक पैकेट आ रहा था किससे, दूसरा आ रहा था किससे, और 10.1 वाले ट्रैफिक पे तो क्या लगी हुई है, मार्किंग। R2 के पास आया, अब R2 को पहला ट्रैफिक किसका मिला, लेट से बाद में किसका मिला, तो आपके अकॉर्डिंग पहले ट्रैफिक फॉरवर्ड किसका होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है सबको? R2 को ट्रैफिक मिला किसका, 10.2 का भी, 10.1 का भी, 10.1 के ट्रैफिक पे मार्किंग लगी हुई है कि भाई ये प्रायोरिटी ट्रैफिक है, ये क्या है, प्रायोरिटी ट्रैफिक है। एग्री, तो राउटर ट्रैफिक पहले किसका फॉरवर्ड करेगा। अब हमारी मेंटेलिटी क्या है, मैं अपनी मेंटेलिटी बता देता हूं, पहले साला जो इस गेट से अंदर बढ़ेगा उस गेट से पहले वही बाहर निकलेगा। एग्री, हमारी मेंटेलिटी ये है, हम इंसान है ना, इंसानों की तरह ही सोच सकते हैं, ज्यादा मेरी बात है नहीं, तो हम क्या सोचते हैं कि राउटर कैसे काम करता होगा, पैकेट आया, जो पहले आया उसको पहले बाहर भेज दिया। अब ऐसा नहीं होता, एग्री, अब मेरी बात सुनना, क्या कह रहा हूं मैं, हर राउटर के इंटरफेस पे क्यू होती है, क्या होती है, उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर क्यूज, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। अब रीजन क्या है सॉफ्टवेयर क्यूज बनाने का,
भाई ये राउटर का इंटरफेस है, ये भी राउटर का क्या इंटरफेस, दोनों के राउटर के इंटरफेस। मैं हूँ सीपीयू, मैं कौन हूँ सीपीयू, सीपीयू ठीक है। ट्रैफिक आया इस इंटरफेस पे, इसने किसको लिया सीपीयू को दिया। सीपीयू ने कहा कि राउटिंग टेबल चेक की, एग्जिट इंटरफेस का पता लगाया और ट्रैफिक इसको दे दिया ईग्रेस इंटरफेस दे दिया। इसने वायर पे रखा ट्रैफिक को और बाहर भेज दिया। एग्री, जैसे ही ये वायर पे रख देगा ट्रैफिक को और बाहर भेज देगा, फिर ये दोबारा सीपीयू को कहेगा अब और ट्रैफिक दे, क्या दे और कोई तरीका बताओ यार, और कोई वे आउट बताओ, कोई वे आउट है। ओके सेफ, सेफ की बात कर लेते हैं ना, सेफ को मैं कौन हूं, इंटरफेस पे ट्रैफिक आया, इंटरफेस ने किसको हैंड ओवर कर दिया सेफ को, सेफ ने उसको किस पे रख दिया ईग्रेस इंटरफेस पे, एग्री स्विच कर दिया ईग्रेस इंटरफेस से ट्रैफिक बाहर चला गया वायर पर। अब ईग्रेस इंटरफेस सेफ को दोबारा बोलेगा ना भाई क्या दे, इट्स मोर ओवर लाइक दिस, मैंने इसे काम दिया तो उसने काम कर लिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता मैं इसे पहले एक पैक कर दूं फिर दूसरा भी दे दूं, ये नहीं भाई, मैंने भी पहला ही सेंड नहीं किया तो देयर मस्ट बी इंडिकेशन, देयर मस्ट बी अ, जो ये मुझे दे जिससे मुझे पता चले कि ये ट्रैफिक वायर पे भेज चुका, सारे सेम ट्रैक पे हो, समझ रहे हो इस बात को। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने इस इंटरफेस पे लाइनें बना दी, क्यों बना दी, सॉफ्टवेयर, क्या बना दी सॉफ्टवेयर। अब होता क्या, इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आता है, ये अपनी इनपुट क्यू में डाल देता है, किसमें डाल देता है इनपुट क्यू, सेफ पैकेट कहां से उठाती है प्रोसेस करती है, कहां डाल देती है यहां पे आउटपुट क्यू में, कहां डाल देती है। अब आउटपुट क्यू में पैकेट डालते जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, पहले कौन आया था 10.2 10.1 10.2 का पैकेट पहले आउटपुट क्यू में गया, 10.1 का पैकेट बाद में आउटपुट क्यू में गया, यस और नो। लेकिन अब राउटर के अंदर एक स्केड्यूलर होता है, क्या होता है स्केड्यूलर, स्केड्यूलर क्या काम है, क्यू में से ट्रैफिक उठा के हार्डवेयर पे रखना, हार्डवेयर मतलब एक्चुअल इंटरफेस पे रखना, किस पे रखना एक्चुअल इंटरफेस, और जितनी प्रायोरिटाइजेशन होती है वो स्केड्यूलर कर रहा होता है, कौन कर रहा होता है स्केड्यूलर, देखेगा यार ट्रैफिक इंपॉर्टेंट कौन सा, टू वाला वन वाला, वन वाला उसको पहले उठा के किस पे रख देगा, उसको पहले उठा के किस पे रख देगा फायर पर, कर दिया कर दिया। This particular thing is called congestion management. क्या बोलते हैं इसको? Congestion management. बात समझ में आई? देखो, हमने क्या पढ़ा? ये network में पहला device था, जैसे इस पे traffic आता है, mark कर देता है उसको। क्या कर देता है? Mark. Mark किस basis पे करता है? जिस basis पे हमने classify किया होता है, जिस basis पे हमने मैंने identify किया होगा, भाई इन user के traffic को क्या कर दियो? Mark. इस router ने mark कर दिया, अगले router को भेजा। अब अगला राउटर जब भी फॉरवर्डिंग करेगा तो उसको मार्क ट्रैफिक को पहले फॉरवर्ड करना है और अनमार्क ट्रैफिक को बाद में फॉरवर्ड करना है, एग्री। इसके लिए कांसेप्ट बनाया गया राउटर के अंदर किसका, क्यूज का, किसका, हर इंटरफेस पे इनपुट क्यू भी होती है और आउटपुट क्यू होती है। जब भी इंटरफेस पे ट्रैफिक आता है राउटर किस पे डाल देता है इनपुट क्यू में, सब उठाती है इनपुट क्यू से ट्रैफिक को और सामने वाले किस में डाल देती है आउटपुट क्यू। अब स्केड्यूलर उठाता है आउटपुट क्यू से ट्रैफिक और किस पर रखता है हार्डवेयर पे। तो जितनी प्रायोरिटाइजेशन है राउटर के अंदर चल रही है, ये प्रोसेसिंग कैसे चल रही है, क्यूज में कैसे चल रही है, राउटर एक्चुअली क्या कर रहा है, क्यू में जो इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है उसको उठा के पहले हार्डवेयर पे रख रहा है और जो क्यू में लेस इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है उसको बाद में उठा के किस पर रख रहा है हार्डवेयर पे। दिस क्लियर, इतना समझ में आया। अब दिमाग में डालने के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है। अगली बात क्या होती है, यहाँ पे जो क्यूज थी वो फुल हो गई, क्या हो गई फुल, कंजेशन अंकर हो गई, हो गई ना, क्योंकि सारी सॉफ्टवेयर क्यूज क्या हो गई फुल। अब उसको अवॉइड कैसे करना है, अब उसको अवॉइड कैसे करना है, वो सारी चीजें किसके अंडर आएंगी, कंजेशन अवॉइडेंस के अंडर, किसके अंडर आएंगी कंजेशन। कंजेशन होती कब है एक्चुअली, जब मेरी सारी सॉफ्टवेयर क्यूज क्या हो जाती हैं। अभी तो ये बात नहीं करी कितनी क्यूज बनेंगी, एक क्यू में कितने पैकेट आएंगे, 5000 बातें रहती हैं अभी, इतना समझ रहे हो, सॉरी इतनी बात समझ में आई। अगर एक क्यूज फुल हो जाती है तो क्या हो जाती है कंजेशन। तो माइंड में एक बात बना लेता, बना लेना कि कंजेशन हमेशा डिवाइस पे होती है यार, पता है क्या,
लोग ना एक तो नेटवर्क को रोड से कंपेयर करते हैं, साला रोड पे एक्सीडेंट तो कहीं भी हो जाता है तो वायर पे ही हो जाती होगी कंजेशन। वायर पे कभी कंजेशन, कंजेशन किस पे होती है? डिवाइस पे भी स्पेसिफिकली कहा होती है इंटरफेस। क्यों होती है? क्योंकि सॉफ्टवेयर यूज क्या हो जाती है? अब मैंने आखिरी एक बात लिखी थी, पॉलिसिंग और शेपिंग। पॉलिसिंग और शेपिंग क्या कहती है? अब ध्यान से समझना, ये जिसको समझ में आ गया उसके तो हो गए वारे और न्यारे, क्योंकि ये तीन चीजें क्वालिटी ऑफ सर्विस में सबसे इंपॉर्टेंट थी। अगर आप समझ चुके हो तो मैं क्या करूंगा, अपने ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करूंगा, आइडेंटिफाई करके मार्क करूंगा। मार्क करने से अब होगा क्या, जैसे ही वो राउटर के पास जाएगा राउटर उसको क्यूज में रखेगा। राउटर में एक पर्टिकुलर हार्डवेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं, शेड्यूलर। क्या बोलते हैं? शेड्यूलर का काम क्या है? क्यूज से नहीं, नहीं यार घसड़ू चुप, क्यूज से ट्रैफिक को उठा के हार्डवेयर पे प्लेस करना। किस पे प्लेस करना? हार्डवेयर पे। एग्री? समझ में आई इतनी बात? क्यूज को, सॉरी ट्रैफिक को क्यूज से उठा के किस पे प्लेस करना? अब स्केड्यूलर कैसे प्लेस करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा था वो थी पॉलिसिंग एंड वो क्या है। अब पॉलिसिंग से क्या समझ में आता है? पॉलिस, पॉलिस का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? अब पॉलिसिंग से क्या मतलब है ध्यान से समझ रहे हैं सब लोग। इस आईएसपी ने ना मुझे एक लिंक दिया हुआ है, लिंक ना 1 Gbps का है। इस लिंक की फिजिकल कैपेसिटी की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? फिजिकल कैपेसिटी कितनी है इस लिंक की? सबको समझ में आ रही है बात? मैंने कहा लेकिन जो आईएसपी से मैंने बैंडविड्थ परचेज कर रखी है वो कितनी है? 20 Mbps। तो व्हाट डू यू थिंक, इस पर्टिकुलर लिंक पे जब भी ट्रैफिक फ्लो करेगा किस स्पीड पे करेगा? 20 Mbps। अब 20 Mbps का मतलब डिस्कस कर लें क्या होता है। हाँ जी, मेरा ये पर्टिकुलर लिंक 1 सेकंड में 20 MB ट्रैफिक फॉरवर्ड, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बोलूं तो इसका मतलब है आईएसपी बोल रहा है कस्टमर को कि मैं 20 Mbps 1 सेकंड में तुझसे रिसीव करूंगा, इससे ज्यादा रिसीव नहीं। जो रेट रहेगा वो किसका रहेगा? 20 MB का। किसका रहेगा? अब लेट से ये लिंक कितने GB का था? 1 GB का। कस्टमर ने क्या किया, अपने एंड पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, क्या करने की ट्रैफिक को, क्या करने की ट्रैफिक को? रेट लिमिट। क्या करने की ट्रैफिक को? भाई आपके पास 5,000 रुपये थे, आपके पापा ने आपको महीने की 1 तारीख को दिए कि बेटा इससे महीना चला लेना, 5,000 आते ही आपने अपनी रेट लिमिटिंग नहीं की, वो 5 दिन में क्या हो गए? ख़त्म। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? 25 दिन पैसे नहीं है। सिमिलर केस यहाँ पे है, राउटर को ट्रैफिक किस स्पीड पे सेंड करना चाहिए था लेकिन वो करेगा किस स्पीड पे? तो आईएसपी अपने एंड पे ना पॉलिस करके रखता है। क्या करके रखता है? पॉलिसिंग। पॉलिसिंग का मतलब है आईएसपी इस चीज का ध्यान रखता है कि अगर 20 MB से ज्यादा ट्रैफिक आया तो मैं क्या कर दूं। एग्री? 20 MB से ज्यादा ट्रैफिक आया तो मैं क्या कर दूं? ड्रॉप। फिजिकल कैपेसिटी है लिंक की। GT रोड देखी है, उस पर 500 की स्पीड पर गाड़ी चला लोगे? अगर आपकी अकेली गाड़ी होती तो शायद चल भी जाती भाई। एग्री? बहुत सारी गाड़ियां चलती है ना GT रोड, हमारी अपनी नहीं है, तो स्पीड तो हमें उतनी मिलेगी ना जितने के हमने क्या दिए हुए हैं? पैसे। ठीक है, तो लिंक की फिजिकल कैपेसिटी कितनी है? 1 Gbps।
लेकिन हम उसमें से यूटिलाइज कितना कर सकते हैं 20 MB। तो मेरा यहाँ पे कंसर्न क्या है, पॉलिसिंग का मतलब क्या है, बेसिकली रेट लिमिटिंग करना। क्या करना? रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग का मतलब है कभी भी सामने वाला डिवाइस इस पर्टिकुलर बैंडविड्थ से ज्यादा यूटिलाइज ना कर। एग्री? तो ये होती है पॉलिसिंग। तो पॉलिसिंग हमेशा कौन कर रखता है अपने एंड पे? ISP। किसके लिए? हर कस्टमर के लिए। किसके लिए? हर कस्टमर। और वो कस्टमर उतनी ही बैंडविड्थ यूटिलाइज कर पाता है जितने के उसने क्या दिए हैं पैसे। एक चीज अगर आपने और नोटिस की हो, लेट्स से मैंने स्पीड 20 MB से कितनी करवानी है या फिर कितनी करानी है, तो कभी भी ISP आपका फिजिकल मीडिया नहीं बदल के जाता, अपने एंड पे पॉलिसिंग की पॉलिसी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। एग्री? एग्री? अगली बात पे आ जाऊं। अब आप क्या चाहोगे कि आप भी ट्रैफिक किस रेट पे सेंड करो, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं शेपिंग। क्या बोलते हैं? शेपिंग। व्हाट वी कॉल दिस पर्टिकुलर प्रोसेस? शेपिंग। समझ में आई बात? शेपिंग का क्या मतलब है कि मैं जब ट्रैफिक को फॉरवर्ड करूं उतने ही रेट पे फॉरवर्ड करूं या फिर मैं उतनी ही बैंडविड्थ यूटिलाइज करूं जितनी मुझे ISP से मिली हुई है, जितनी मुझे ISP से मिली हुई है। क्लियर? शेपिंग का मतलब है मैं उतनी ही बैंडविड्थ को क्या करूं, यूटिलाइज करूं जितनी मुझे ISP से मिली हुई है, या फिर मैं उसी रेट पे डेटा सेंड करूं जिस रेट पे ISP चाहता है। क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने उससे ज्यादा रेट पे डेटा सेंड किया तो ISP क्या कर देगा? ISP क्या कर देगा? तो अब समझ में आया शेपिंग क्या होती है। शेपिंग हम चलाते हैं कस्टमर के एंड पे। किस एंड पे? कस्टमर के एंड पे। क्यों चलाते हैं? जस्ट टू मेक श्योर कस्टमर उस बैंडविड्थ से ज्यादा ट्रैफिक फॉरवर्ड ना करे जो बैंडविड्थ उसे ISP से मिली हुई है। पॉलिसिंग कौन करता है अपने एंड पे? ISP करता है। क्यों करता है? कस्टमर उस रेट से ज्यादा ट्रैफिक सेंड ना करे जितनी मैंने उसे बैंडविड्थ प्रोवाइड की हुई है। क्लासिफिकेशन और मार्किंग तो हम करके भेजते हैं, और याद रखना ये क्लासिफिकेशन और मार्किंग सिर्फ किस में काम आती है? मेरे किस में काम आती है? क्योंकि क्या होता है, लेट से मैंने यहाँ पे क्या किया था, इस 10.1 के ट्रैफिक को क्या कर दिया था? प्रायोरिटाइज। एग्री? जैसे ही ट्रैफिक ISP राउटर पे पहुँचेगा ना, ISP सारी मार्किंग को क्या कर देता है? क्या कर देता है? कैसे करता है करके दिखाऊंगा। ठीक है भाई, तो आज स्टार्ट करेंगे किससे? क्लासिफिकेशन और मार्किंग से, कि ट्रैफिक को क्लासिफाई करने के कितने तरीके हैं और उसके बाद ट्रैफिक को मार्क करने के कितने तरीके हैं। समझ में आई इतनी बात? हाँ जी, तो पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? अब ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। किसकी हेल्प से? प्रोटोकॉल। मतलब लाइक और क्या लिखा?
एक्चुअली कौन सी इंस्पेक्शन हो गई, ये सारे लेयर 7 प्रोटोकॉल्स हैं, तो मैं इनको डायरेक्टली भी इंस्पेक्ट करा सकता हूँ. टू फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैफिक यू विल ऑलवेज बी यूजिंग बट वी विल बी यूजिंग क्लास मैप्स को अच्छी तरह समझेंगे, अभी के लिए भूल जाओ. ठीक है जी, ट्रैफिक को क्लासिफाई करने के लिए हम किसको यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोटोकॉल्स को. प्रोटोकॉल को यूज़ करना मतलब डायरेक्टली प्रोटोकॉल के बेसिस पर इंस्पेक्ट करा लेना, या फिर क्या तरीका है ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करने का, कौन सी ACL? डन डन. दूसरा काम क्या करना है, मार्किंग. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, मार्किंग करनी कहाँ है, मार्किंग करने का. ठीक है, करें वो बकवास बातें स्टार्ट. अब देखो यार, आसान है बट हाँ थोड़ा पेचीदा है. देखो लेयर टू हेडर में भी मार्किंग हो सकती है, किसमें, डन. और लेयर थ्री हेडर में भी क्या हो सकती है, लेयर टू हेडर में मार्किंग तभी हो सकती है जब क्या लगाओ लेयर टू हेडर पे, टैग. लेयर टू हेडर पे टैग कब लगता है, घसड़ुओं बताओ, ट्रंक पोर्ट पे कौन से टैग लगते हैं, डन. क्योंकि एक्चुअली जो मार्किंग बिट्स होती है ना, क्या होती हैं वो, किसमें प्रेजेंट होती हैं, किसमें प्रेजेंट होती हैं, टैग में. इतनी बात समझ में आई, चलो याद दिला देता हूँ. डॉट वन क्यू हेडर याद करो, दो फील्ड थी, टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, टैग कंट्रोल आइडेंटिफायर. दो बाइट की ये थी, दो बाइट की ये थी. ये दो बाइट कैसे डिवाइडेड थे, दो बाइट मतलब तीन बिट किसके लिए थे, एक बिट. CFI और 12 बिट किसके लिए होते हैं, किसके लिए. बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है सबको, आर यू श्योर. कितने बिट है प्रायोरिटाइजेशन के लिए, ठीक है. और इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, क्लास ऑफ सर्विस, क्या होता है, ठीक है. आगे चलूं अब, एक मिनट, हाँ जी. कितनी है टोटल, तीन. तीन बिट से टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एट. तो कॉस जीरो, कॉस, 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 हाँ जी. जीरो का मतलब तीनों बिट क्या है, वन का मतलब, टू का मतलब,
थ्री का मतलब, फोर का मतलब, फाइव का मतलब, सिक्स का मतलब, सेवन का मतलब, समझ में आई है बात? मैं किन कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा था? तीन बिट है, टोटल आठ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सबको विजिबल है, फाइन। जब तीनों बिट जीरो होंगी उसको बोलते हैं कॉस जीरो। क्या बोलते हैं? कॉस जीरो। जब वैल्यू वन होगी तो कॉस वन, टू होगी तो टू, थ्री होगी तो थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। हर क्लास का क्या है? एक नेम, व्हाट वी कॉल इट? मैं पूरा रूटीन क्लास बोलते हैं इसको, वैसे इसको रूटीन क्लास। क्या बोलते हैं? बताओ यार, भूल गया मैं। फ्लैश, फ्लैश, फ्लैश ओवरराइड, ठीक है, क्रिटिकल। हाँ जी, इंटरनेट वर्क, और ये होता है इंट्रानेट वर्क। अब बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनना। ये क्लास किसके लिए होती है? लाइक जो नॉर्मली टीसीपी पैकेट्स होते हैं आपके, टेलनेट के, एसएसएच के, एचटीटीपी के, सब किस क्लास से बिलोंग करते हैं? नॉर्मली क्लास सिक्स, ठीक है जी, एग्री। क्लास सेवन किसके लिए, किससे बिलोंग करती है? इंट्रा मतलब, जितने भी क्या होते हैं सारे लेयर टू प्रोटोकॉल्स, वो किस क्लास के मेंबर होते हैं? सेवन। किस क्लास के मेंबर होते हैं? सेवन के। क्लियर? ये क्लास किसके लिए होती है बाय डिफॉल्ट? तो याद रखना, कॉस फाइव वैल्यू किसके लिए है? वॉइस के लिए। एग्री? ये तीन क्लासेस हम क्या कर सकते हैं? यूज, मतलब अपने अकॉर्डिंग ट्रैफिक को असाइन कर सकते हैं। और ये क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? बाय डिफॉल्ट क्लास। क्लियर? इतना समझ में आया? अब एक क्वेश्चन आया बंदे का, सर आप बोल रहे हो कि ये वैल्यूज तो किसमें प्रेजेंट होती हैं? टैग में। किसमें प्रेजेंट होती हैं? टैग में। एग्री? तो अगर मैं प्रायोरिटाइजेशन परफॉर्म कर रहा हूं किस पे, तभी तो वैल्यू किसमें ऐड होंगी। और टैग की जो स्कोप होती है वो कहां तक होती है? कहां तक होती है? ट्रंक पोर्ट तक। यस और नो? कहां तक होती है? ट्रंक पोर्ट तक। यस और नो? तो कहता सर टैग तो कभी भी अपनी ब्रॉडकास्ट डोमेन से आगे कैरी नहीं होगा। कहां से आगे कैरी नहीं होगा? मतलब ये बिट्स भी हमारी ब्रॉडकास्ट डोमेन से बाहर कैरी नहीं होंगे।
इसलिए हम कभी भी ट्रैफिक को लेयर टू पे टैग करते ही नहीं है। किस पे टैग करते हैं? लेयर थ्री पे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मैं लेयर टू पे टैग तो कर दूं, मैं लेयर टू स्विच को बोल दूं भाई ये पर्टिकुलर ट्रैफिक आए इसको उठा के टैग कर देना, लेकिन वो टैग सिर्फ किस में रह जाएगा? मेरी ब्रॉडकास्ट डोमेन में। अब इसका भी एग्जांपल देता हूं, डन। मैंने यहां स्विच पे टैगिंग परफॉर्म कर दी, यूजर ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, स्विच वन स्विच टू को देगा, टैग लगा के देगा। क्या लगा के देगा? टैग। अब स्विच टू भी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा, स्विच टू किसको फॉरवर्ड करेगा? फिर क्या लगा के देगा? ये राउटर भी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा, लेकिन ट्रैफिक जब किस पे जाएगा? अब वो कोई टैग ऐड तो आर टू ट्रैफिक को फिर कैसे फॉरवर्ड करेगा? नॉर्मल। कैसे फॉरवर्ड करेगा? नॉर्मल, क्योंकि टैग कभी भी मेरी ब्रॉडकास्ट डोमेन से बाहर नहीं जाएगा। टैग कभी भी मेरी ब्रॉडकास्ट डोमेन से बाहर नहीं जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम टैगिंग करते ही कौन सी लेयर पे हैं? लेयर थ्री। कौन सी लेयर पे? अब लेयर थ्री पे टैगिंग करने के लिए क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास? अगर आपको याद हो लेयर थ्री हेडर में एक फील्ड होती थी, टॉस कितने बिट की है? 8 bits। लिख लू 8 bits, 8 bits है, ठीक है? याद रखना हम टॉस के केस में ना पहले 3 bits यूज करते थे, बाकी के 5 bits क्या थे? क्या थे? क्या थे? अनयूज्ड। ठीक है, क्लियर? तो कितनी बिट्स है मेरे पास? कितनी वैल्यूज आएंगी? 0 से 7। सेम वही, सबसे पहली क्लास को क्या बोलते हैं, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, फिर फ्लैश, फिर क्रिटिकल, फिर इंटरनेट वर्क कंट्रोल, और फिर वही 7 classes आ गई। कितनी आ गई? 7 classes। एग्री? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मुझे ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करना है, ये तो बाय डिफॉल्ट क्लास हो गई। ये क्लासेस क्या अवेलेबल है? 1, 2, 3 और 4। कितनी क्लासेस अवेलेबल है मेरे पास? 4। 3 होनी चाहिए यार अवेलेबल, नहीं टोटल 8 है ना, ठीक। कितने अवेलेबल हैं? 4। प्रायोरिटी इमीडिएट फ्लैश और फ्लैश ओवरराइड, जिस जो मैं ट्रैफिक को खुद से असाइन कर सकता हूँ। एग्री? इसका मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग ट्रैफिक को कितनी कैटेगरीज में डाल सकता हूँ? 4। या तो मैं ट्रैफिक को प्रायोरिटी क्लास का मेंबर बना सकता हूँ, या इमीडिएट का, या फ्लैश का, या फ्लैश ओवरराइड का। क्लियर? समझ में आ रही है इतनी बात? हाँ जी, मेरे को सुना दे जोक, अकेला ही हंस रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या लिखा? सिर्फ कितनी अवेलेबल है? कितनी अवेलेबल है? 4। कौन सी कौन सी? बोलो। हाँ जी,
डन। कोई डाउट किसी को? अब तभी ना टॉस को क्या कर दिया गया और क्या बना दिया गया, डीएससीपी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट। व्हाट वी कॉल इट? डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट, ठीक है। अब डीएससीपी में बिट्स तो कितनी थी? 8। अब इन 8 बिट्स को कैसे यूज किया गया? पहले 3 बिट, फिर 3 बिट और ये 2 बिट। आखिरी की 2 बिट्स रखी गई किसके लिए? ये कंजेशन अवॉइडेंस पे काम आएंगी। कहां पे? डिस्कस करेंगे जब आएगा कंजेशन अवॉइडेंस। तो अभी के लिए मैं इन बिट्स को क्या मान लेता हूं? 0, और हम इन्हें यूज नहीं करें। स्टार्टिंग के 3 बिट्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब नेक्स्ट 3 बिट्स को डिफाइन किया हमने क्या डिफाइन किया, और ये सब ताम झाम हम कर क्यों रहे हैं? अवेलेबल कैटेगरीज को क्या करने के लिए? इंक्रीज। क्या मेरे पास ज्यादा क्लासेस हो ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करने के लिए? बाय डिफॉल्ट कितनी अवेलेबल है? 4, ठीक है जी। तो ये ड्रॉप प्रोबेबिलिटी में बिट्स कितनी है? 3। मैं आखिरी बिट को हमेशा क्या रखता हूँ? 0। तो 2 ही बिट रह जाती है यूज करने के लिए। 2 ही बिट रह जाती है किस लिए? यूज करने के लिए। अब क्लास सेलेक्टर में कितनी बिट्स है? 3। क्लास सेलेक्टर में कितनी बिट्स है? तो पहली क्लास क्या आएगी? CS1, सॉरी CS0, CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7। एग्री? सबको समझ में आ रहा है? CS0 को क्या बोलते हैं? CS1 को, CS2 को, CS3 को, CS4 को, क्रिटिकल, इंटर नेटवर्क कंट्रोल, इंट्रा नेटवर्क कंट्रोल बोलते हैं। फिर डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट ट्रैफिक के साथ हो गई। 5 वॉइस के लिए 6 और 7। एग्री? अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ ये तीनों बिट 0 हैं, इसका मतलब ट्रैफिक कौन सा है? CS0। ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? जब ये ट्रैफिक डिफॉल्ट होगा ये बिट्स भी तो क्या होंगी? 0 ही होंगी। तो ड्रॉप प्रोबेबिलिटी कितने बिट्स की थी? 3 बिट्स की। हम यूज कितने कर रहे थे? 2 बिट्स। 2 बिट्स में कितनी वैल्यूज आनी थी? 4। 0, 1, 2, 3। तो 0 तो किसके साथ चली गई? डिफॉल्ट के साथ। कितनी वैल्यूज रह गई? 1, 2, 3। समझ में आई बात? मैं क्या कह रहा हूँ, जो डिफॉल्ट ट्रैफिक जाएगा उसमें CS वैल्यूज भी क्या होंगी? 0, और ड्रॉप प्रोबेबिलिटी बिट्स भी क्या होंगी? 0। क्लियर? मैं क्या कह रहा हूँ, ड्रॉप प्रोबेबिलिटी में 2 बिट्स है, थी 3, मैं यूज किसने करता हूँ? 2। अब 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनने थे? कितनी वैल्यूज आनी थी? 4। 1 तो डिफॉल्ट की नंबर हो गई, मेरे पर रह गई 1, 2, और 3। क्लियर? 1, 2, और 3। ध्यान से देखना, ओ ऐसा तो मैंने ही नहीं चाहा था।
इसको क्या बोलेंगे, ये जो मैं यहाँ लिखूंगा इसको क्या बोलेंगे, जो मैं यहाँ लिखूंगा, 1 2 3। अब क्लासेस कौन सी अवेलेबल है मेरे पास, 1 अवेलेबल है, 2 3 और क्लासेस अवेलेबल है, 1 2 3 और डन। क्लास और ड्रॉप प्रोबेबिलिटी को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ, जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं AF वैल्यूज, एश्योर्ड फॉरवर्डिंग वैल्यूज। क्या बोलते हैं, AF11, AF12। मैट्रिक्स करी थी बचपन में, मैट्रिक्स याद आया, मूवी की बात नहीं कर रहा, AF 43 का मतलब समझ में आया, 23 का क्या मतलब होगा बताना, सेकंड कॉलम थर्ड रो, सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम, समझ में आया मतलब। 12 का क्या मतलब होगा, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं मैं अलग अलग। AF21 का क्या मतलब होगा, ठीक है, 42 का क्या मतलब होगा, डन। तो मैं क्या दिखा रहा हूँ सिर्फ ये कि मेरे पास यहाँ कितनी बिट है भाई, 6। ये वैल्यू सिर्फ क्या है इन बिट्स का, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ये वैल्यू सिर्फ क्या है इन बिट्स का, क्लियर क्लियर। अब मेरे पास अब कितनी क्लासेस हो गई ट्रैफिक को कैटेगराइज करने के लिए, कितनी हो गई, 12। पहले कितनी थी, 4। तो एक्चुअल में मीनिंग समझ में आया, हम टॉस से DSCP पे क्यों आए, जस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लासेस, जस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लासेस, क्लियर, बढ़ा ली, आगे चले। अब बात आती है इन सब AF वैल्यूज में से सबसे बेस्ट AF वैल्यू कौन सी है। हाँ तो मैं कह रहा हूं AF एक्स और वाई सिंटेक्स है। X किसको डिफाइन कर रहा है, क्लास सेलेक्टर को। Y किसको डिफाइन कर रहा है, ड्रॉप प्रोबेबिलिटी, किसको डिफाइन कर रहा है, तो ड्रॉप प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, कम कम, क्लास सेलेक्टर वैल्यू कम होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा। तो AF41 इज द बेस्ट। AF41 के बाद 42, उसके बाद 42 के बाद उसके बाद 30, फिर 23, फिर सबको समझ में आया। तो सबसे बेस्ट क्लास कौन सी है, उसके बाद समझ में आई इतनी बात। कोई डाउट, वो डाउट किसी को भी, कर लिया ट्रैफिक को मार्क, सॉरी क्लासीफाई, ये पढ़ तो रहे हैं मार्किंग बिट्स, क्या पढ़ रहे हैं, मार्किंग बिट्स, समझ में आई इतनी बात। तो बहुत सारी AF वैल्यूज आ गई हैं, अब नाम देखो,
दिख रहा है? ठीक है, क्लियर। एक चीज और यहां पे क्लियर कर देता हूं, ये जब टॉस यूज करते थे ना, इनको प्रेसिडेंस वैल्यूज बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रेसिडेंस वैल्यूज। IPP 1, आईपी प्रेसिडेंस 1, IPP 2, IPP 3, IPP 4, 5, 6, 7, IPP 0। क्लियर? डन भाई। तो पता चला लेयर 2 हेडर और लेयर 3 हेडर में क्लासिफिकेशन और मार्किंग होती कहाँ है? सॉरी, मार्किंग होती कहाँ है? तो देखो, सबसे पहला टॉपिक यही है, फील्ड्स दैट कैन बी मार्क्ड फॉर आईपीपी, आईपी प्रेसिडेंस एंड डीएससीपी कंपेयर। तो प्रेसिडेंस वैल्यूज बता दी मैंने आपको, उसके बाद क्या आया? डीएससीपी। डीएससीपी ने इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्या कर दिया? चेंज। तो डीएससीपी आर DSCP में क्या वैल्यूज आ गई? क्लास सेलेक्टर वैल्यूज, फाइन, क्लियर। उसके बाद है शॉर्ट फॉरवर्डिंग, डिफाइन अलोंग विथ 3 लेवल्स ऑफ इनसाइड टू मार्क पैकेट्स एंड डिस्टिंग्विश इनटू विच along with one of the 3 AF PHB per hop behavior होता है। PHB का मतलब defines, ठीक है, ये बन गई 12 values उसने बना रखी हैं, दिख रही हैं? ये छोड़ दो। उसके बाद क्या आता है? एक्सपेक्टेड फॉरवर्डिंग PHP एंड DSCP वैल्यू। अब ना एक वैल्यू होती है EF, ये तो सारी थी AF, EF क्या होती है? अब कन्वर्ट करना है इसको, सारे AF टाइप के ट्रैफिक पे कोई वैल्यू प्रेफर हो, वो क्या होगी EF, वो क्या होगी EF, करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद लेयर 2 हेडर में तो आपको बताया टैग में लगती है, अब वैन मार्किंग भी हो जाती है, फ्रेम रिले, MPLS, MPLS में याद है कौन सी बिट्स थी? EXP, वो किस लिए यूज होती है? मार्किंग के लिए। ठीक है जी, अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि मार्किंग होती कहाँ है।
डन। हाँ जी नो शर्ट RP1 नेटवर्क हाँ पिंग कर लूँ किसको हो रहा नॉर्मल पिंग। अब एक बात बताओ ध्यान देना इधर नजड़ू बच्चों ध्यान देना माता दी। हेलो जा रही है यही जीआरपी की हेलो है कौन सी फील्ड है ये सीएस वैल्यू क्या यूज हो रही है 6 बाय डिफॉल्ट जो भी आपका इंटरनेटवर्क कंट्रोल ट्रैफिक होता है वो किस क्लास का मेंबर होता है 6 का दिख रहा है आपको बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटाइज्ड है कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक दिख रहा है। अरे बोल लो शुक्र है। अब मैंने क्या भेजी एक पिंग भेजी भाई भेज दे पिंग सारी बिट क्या है ये कौन सी क्लास हो गई डिफॉल्ट क्लास कौन सी क्लास हो गई क्लियर समझ में आ रहा है पिंग लिख के एंटर कर देना देख लेना सारे नई चीज है प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना है आईपी टारगेट एड्रेस क्या है मैं तो 3 पैकेट भेजना चाहता हूँ साइज यही रखूंगा टाइम आउट 1 सेकंड कर दिया एक्सटेंडेड कमांड्स यस सोर्स एड्रेस टॉस वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या जाती है 0 अब लेट्स से मैं बनाना चाहता हूँ इसको फ्लैश क्लास का मेंबर क्या वैल्यू आएगी गए 3 पैकेट क्या गई है CS4 का मतलब भाई देखो ना CS4 का मतलब फ्लैश क्लियर ये तो टॉस वैल्यूज हैं ये तो क्या है अब मैं वहां से टॉस वैल्यू सेट करके भेज रहा हूं और कौन से एड्रेस में दिख रही है DSCP में इसका मतलब DSCP टॉस के साथ बैकवर्ड कंपेटिबल है DSCP टॉस के साथ क्या है बैकवर्ड कंपेटिबल मतलब क्या है इस चीज का मतलब कोई टॉस वैल्यू होगी वो DSCP एड्रेस में आ जाएगी या CS वैल्यू भाई टॉस वैल्यूज कितनी थी 8 कितनी थी 0 से लेके 7 तक एग्री तो सारी CS0 CS1 CS2 वही तो हो गई टॉस वैल्यू क्या थी आईपी प्रेसिडेंस 0 1 2 3 4 5 6 7 वही 7 की 7 वैल्यूज किस में आ गई CS0 1 2 3 4 5 6 7 और दूसरी बात बोलता हूं
कि जो मेरी डीएससीपी वैल्यूज है वो भी बैकवर्ड कंपैटिबल किसके साथ है, टॉस के साथ। क्योंकि टॉस जब हम डीएससीपी से टॉस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डीएससीपी से टॉस, तो ड्रॉप प्रोबेबिलिटी बिट्स को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर। ड्रॉप प्रोबेबिलिटी बिट्स को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर। मुझे लगता नहीं है फंडा पढ़ाने की जरूरत है वैसे, बाकी फिर भी क्या लिखा हुआ है, अरे ये लो यार ऐसे ले लो, सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले क्या आया, ठीक है, 8 बिट थे, क्लियर, और कौन सी वैल्यूज थी, कॉस, सॉरी यार, सबसे पहले आया कॉस, 3 बिट्स थे, कितनी वैल्यूज थी, सॉरी यार गलत लिख दिया, कॉस आया 8 बिट थे, हम यूज कितने करते थे, 3 बिट्स, वैल्यूज कितनी आई, 8, क्लियर। उसके बाद क्या आया, जिसको क्या बोलते हैं, कितनी वैल्यू है, IPP1 IPP2 ऐसे ही कहाँ तक, स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से, एग्री। उसके बाद क्या आया, तो DSCP में कौन सी वैल्यूज हैं जो बैकवर्ड कंपेटिबल किससे हैं, आईपी प्रेसिडेंस से या टॉस से, और टॉस किससे बैकवर्ड कंपेटिबल है, कॉस। अब देखो मैंने एक टॉस वैल्यू ली, नॉर्मल डेसिमल वैल्यू, कितनी, हाँ भाई कन्वर्ट करो इसको आईपी प्रेसिडेंस में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 192 लिखो, डन। कितने बिट यूज करते हैं, वैली कौन सी क्लास हो गई, लेट से डेसिमल वैल्यू क्या है, 160, कन्वर्ट करो, कौन सी क्लास हो गई, क्लास 5। मेरे को शुरू की 3 ही बिट्स देखनी है, बाकी सारी मैं क्या कर दूंगा, इग्नोर। हाँ जी समझ में आई बात, ये कोई डाउट इसमें, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड यार, कोई भी डेसिमल वैल्यू अगर मेरे को उसकी आईपी प्रेसिडेंस वैल्यू निकालनी है, मुझे स्टार्टिंग के कितने बिट्स देखनी है, 3 बिट्स। और आपको ये बता दिया मैंने कि आईपी प्रेसिडेंस और डीएससीपी में क्या रिलेशन है, बता दिया ना। अब लेट से कोई आईपी प्रेसिडेंस वैल्यू है IP5, आईपी प्रेसिडेंस 5, तो वो क्या हो जाएगी, CS5 डायरेक्टली, क्योंकि ड्रॉप प्रोबेबिलिटी बिट्स तो क्या हो जाएंगी, इग्नोर, क्या हो जाएंगी, इग्नोर, क्लियर। ये लो पिंग आईपी टारगेट एड्रेस रिपीट काउंट 1 डेटाग्राम इन साइज टाइम आउट एक्सटेंडेड कमांड्स यस सोर्स एड्रेस टाइप ऑफ सर्विस इस बार वैल्यू क्या ली गया पैकेट कौन सी क्लास का मेंबर होगा
दिख रहा है CS5? सबको विजिबल है? आर यू श्योर? समझ में आ रहा? हाँ, कोई दिक्कत इसमें? ये तो मैंने आपको एक्सटेंडेड पिंग के थ्रू मार्किंग करना सिखाया, किसके थ्रू? अब लेट से आप क्या जाते हो, जितना भी ट्रैफिक R2, जितना भी टेलनेट ट्रैफिक R2 फॉरवर्ड करे आगे नेटवर्क में, सब किस क्लास का मेंबर हो? क्लास 2 का। किस क्लास का मेंबर हो? समझ में आ रही है बात? जितना भी कौन सा ट्रैफिक फॉरवर्ड हो, टेलनेट, ठीक है? तो मैं R2 पे आ जाऊंगा। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एक किस नाम से बना ली, परमिट TCP एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन इक्वल टू पोर्ट नंबर है, क्या बनाया एक, किस नाम से, मैच एक्सेस ग्रुप, ACL कौन सी मैच कराई, सेम नाम से कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे बच्चों, बताओ? पॉलिसी मैप किस नाम से बना लिया, क्लास मैप, फिर सेट, क्या क्या सेट कर सकता हूं इसमें, दिख गई, ठीक है? क्या IP प्रेसिडेंस सेट करनी है बताओ, कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है IPP प्रेसिडेंस में? हाँ, IPP1, IPP2 यही प्रेजेंट है, यस और नो? और अगर यहीं पे करता सेट IP तो कितनी वैल्यूज आएंगी, आ रही है? अरे बता दो, आ रही है? अरे हाँ या नहीं? चलो ठीक है, ठीक है जी। तो पता चला कि DSCP में ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं as compared to toss। समझ में आया इतना? चलो, मैंने बना दिया इसको, मैंने इसके साथ DSCP वैल्यू सेट कर दी, कौन सी, F, ठीक है? अभी तो मैंने सिर्फ क्या किया, देखो क्या बनाया, एक फिर क्या बनाया, एक पॉलिसी मैप में क्या DSCP वैल्यू सेट करी, कौन से ट्रैफिक के साथ, टेलनेट का मैच करा रखा है, समझ में आई बात? तो इधर देखो सब लोग, क्लास मैप एक्चुअली ट्रैफिक को क्या कर रहा है, पॉलिसी मैप क्या अप्लाई कर रहा है, या फिर आप क्या बोलो, क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है? अब मुझे इस पॉलिसी मैप को कहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि ट्रैफिक रिसीव कहाँ होगा? तो जब भी आप पॉलिसी मैप को इंटरफेस पे कॉल करना चाहते हो, आपको कौन सी कमांड यूज करनी पड़ती है, ब्रिंग दिस पॉलिसी इन वेन एवर ट्रैफिक इज रिसीव, वेन एवर ट्रैफिक इज रिसीव। दिखाता हूं आपको, सीरियल क्या लिखा, डायरेक्शन, डन। अब ध्यान से देखो, यहां क्लास मैप टेलनेट में कोई भी पैकेट मैच हुआ है अब तक? कितने पैकेट मैच हुए? 7 के साथ मार्क उसने किससे कर दिए? A40। अब बंदा पता क्या कहता, सर मैं तो नहीं मानता ये मार्क हो रहे हैं। कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है,
एक तो मैं हेडर खोल के चेक करा सकता हूँ कि क्या परफॉर्म हो रही है मार्केट। दूसरा तरीका, पहले मैं ना आर फोर पे टेलनेट करके दिखा दिया आपको, हो गया। आर फोर पे आया, अब ACL बना ली मैंने आर फोर पे एक्सटेंडेड। क्या कर रहा हूँ ये, मैं चेक कर रहा हूँ ना, क्या लिख दिया मैंने, जिसको समझ में आया हाथ उठाओ। मैंने क्या किया, इंटरफेस पे एक ACL लगा दी भाई, परमिट तो कर दियो DC में ट्रैफिक को, साथ ही साथ क्या करियो, एक ना एक और स्टेटमेंट डाल देता हूँ इस ट्रैफिक में, इसमें परमिट IGRP डन। आया ट्रैफिक, एक पैकेट आया दिख रहा है, हाँ जी हो रही है ACL मैच, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। क्लियर, इसका मतलब ये 41 लग के आ रहा है, वरना मैच तो हम यहाँ भी कर सकते थे। एक मिनट, ये मैं चेक गलत लिंक पे कर रहा हूँ, ये कैप्चर गलत लिंक है, ये यहाँ कैप्चर कर रहा हूँ, मार्किंग हम काम परफॉर्म कर रहे हैं तो 2 और 3 के बीच में, बीच के लिंक में देखते हैं। वो शायद हम रिप्लाई देख रहे थे, क्या देख रहे थे, रिप्लाई, तो किस पर्टिकुलर ए वैल्यू के साथ जा रहा है, 41 के साथ। डन, अब यहां आ जाओ, तो 63 पैकेट क्या वैल्यू लग के जा रहे हैं। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट इसमें, नो क्लास में नाम सॉरी नो पॉलिसी मैप नो क्लास मैप रिमूव कर दिया सब कुछ। क्यों परमिट नहीं है भाई, ACL लगी हुई है ना, कि अगर AF 41 लग के आएगा तभी क्या होगा परमिट, वरना परमिट नहीं होगा। एग्री, ठीक है भाई,
अब थोड़ा सा आपको रियल टाइम मार्किंग दिखाता हूँ कैसे होती है, ठीक है। जो रियल टाइम मार्किंग है उसमें हम ट्रैफिक को क्लासिफाई करने के लिए ACL का यूज नहीं करते। इसका यूज नहीं करते ACL, वहां पे हम प्रोटोकॉल बेस्ड मार्किंग करते हैं। क्या करते हैं एक्चुअली ना, राउटर के अंदर एक टूल होता है जिसको बोलते हैं एन बार, व्हाट वी कॉल इट, वो बियर नहीं पिलाएगा। एन बार का मतलब है नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन रिकॉग्निशन, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन रिकॉग्निशन, एग्री। तो राउटर ना डायरेक्टली किसको मैच कर लेगा, ट्रैफिक को। किसको मैच कर लेगा, ट्रैफिक को। समझ में आई बात, किसको मैच कर लेगा, ट्रैफिक को। ओके, अब आप कहोगे सर राउटर को सारी एप्लीकेशन के पोर्ट नंबर कैसे पता होते हैं। राउटर को पता है ना HTTP क्या यूज करता है, 80, तुम्हें पता है ये, ठीक है, लग तो नहीं रहा था। तो राउटर के पास ना एक डेटाबेस होता है जो आप किस कमांड से चेक कर सकते हो, शो IP पोर्ट में, दिख रहा है डेटाबेस। हाँ जी, है कुछ प्रोटोकॉल्स, तो यहाँ पे वो सारे प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होंगे, या फिर आप कह सकते हो जितने भी आपके पास वेल नोन पोर्ट नंबर्स है ना, सारे अवेलेबल होंगे। तो राउटर को एक्चुअली पता है कौन सी एप्लीकेशन कौन सा पोर्ट नंबर यूज करती है, और ये इन्फॉर्मेशन राउटर के पास सेव भी है, और ये इन्फॉर्मेशन राउटर के पास सेव भी है। डन। देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो राउटर के पास सारे पोर्ट नंबर पहले से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, सेव है। तो राउटर क्या कर सकता है, प्रोटोकॉल बेस्ड एप्लीकेशन रिकॉग्निशन परफॉर्म कर सकता है। कैसे, क्या बनाऊं मैं, किस नाम से, सीधे क्या मैच करा दूं, कौन सा, अरे चलेगा नहीं, क्या इशू है इस पे, क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम क्या है। एन बार चलाने के लिए जो रैम की रिक्वायरमेंट है ना, इसमें कितनी है, KB पता नहीं, MBR कुछ तो था, देख लेते हैं एक बार। नहीं नहीं ऐसे काम नहीं बनेगा, आप कुछ दोबारा चलाना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको दोबारा चलाना पड़ेगा। यार बात नहीं करते यार,
जज्बाती हो गया था मैं, दो मिनट रुक जाओ। हो रहा है डन। अब देखो हम एन बार कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये मैं आपको रियल टाइम डिप्लॉयमेंट बता रहा हूँ। अब क्या बनाओगे, लेट्स से सबसे पहला ट्रैफिक कौन सा था, मैच प्रोटोकॉल सीधा ही कौन सा कराया, चल गई। अब क्लास मैम कौन सा बना लिया, मैच प्रोटोकॉल कौन सा करा लिया, ये मैं किस पर्पज से बना रहा हूँ, अब यहाँ HTTPS है ही नहीं भाई, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रेजेंट ही नहीं है, तो गरीब प्रोटोकॉल ले लो कोई, कौन सा ले लो फिर बना लो, क्लास मैप मैच प्रोटोकॉल क्लास मैप, मैच प्रोटोकॉल क्लास मैप, मैच प्रोटोकॉल क्लास मैप बना लिए बहुत सारे। अब हर एक टाइप के ट्रैफिक को क्या देनी है, मार्किंग क्या करनी है, क्या बनाऊंगा, एक किस नाम से बनाया, पी में। सबसे पहले कौन सा क्लास कॉल किया, फिर कौन सी क्लास कॉल करी, क्लास क्लास सेट EF, एक्सपेक्टेड फॉरवर्डिंग, जो EF वैल्यू होगी वो सारी AF वैल्यू से क्या होगी, प्रायर। जो EF वैल्यू होगी वो सारी AF वैल्यू से क्या होगी, प्रायर। क्लास सेट डन और ठीक है, डू शो HTTP FTP TVA TFTP DNS NTP डू शो दिख रहे हैं अलग अलग, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी, क्या लिखूंगा, इनपुट पॉलिसी मैप का नाम क्या था, क्या था, डन हो गया। ठीक है, टेलनेट कर रहा हूँ किस पोर्ट पे, R4 पे पहले HTTP सर्विस एनेबल कर लो, पता नहीं यार FTP एक्सेस कैसे करेंगे इसको, होगी सर्विस ओपन, यहाँ आ जाओ, शो पॉलिसी मैप
इंटरफेस सीरियल 0/0। कौन सी सर्विस से पैकेट मैच हुए हैं? HTTP से नहीं हुए। शो क्लास में आप देखना एक बार। शो पॉलिसी में आप देख लो एक बार। शो रन इंटरफेस सीरियल 0/0 देख लो एक बार। नाम तो सही है ना, पी मैप। यार ऐसे तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मैं एक तो एक गलती कर गया, मेरे को 7200 सीरीज का राउटर यूज करना था, मैंने 3725 यूज कर लिया। तो एक्चुअली मैं आपको बताना के जाता हूँ, जब भी इस राउटर से कोई भी ट्रैफिक पास होगा, जो भी मैंने मार्किंग वैल्यू राउटर पे प्रोवाइड किया है, वो राउटर मार्किंग वैल्यू ट्रैफिक पे लगाता रहेगा और उसको आगे फॉरवर्ड करता रहेगा। एफटीपी क्या यूज करता है? और सर्विस क्या थी? टीएफटीपी, डीएनएस, शो रन सेक्शन पॉलिसी मैप। क्लास एचटीटीपी, क्लास शो क्लास मैप एचटीटीपी। ओके, मैं क्या करता हूँ, एक क्लास मैप और बना लेता हूँ। किस नाम से? मैच प्रोटोकॉल भी कौन से करा लेता हूँ। किस में गया? पॉलिसी मैप, सेम पी मैप में गया। क्लास कौन सी करी? क्या सेट कर दिया? हो रही है पैकेट मार्क। तो वो इसलिए भी हो सकता है कि भाई मैं टेलनेट हेडर यूज कर रहा हूँ, वो हेडर भी चेक कर रहा हूँ लास्ट में। क्या चेक कर रहा हो? हेडर, समथिंग लाइक दैट। तभी ये मार्किंग परफॉर्म ना हो रही हो, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का ट्रैफिक जनरेट कराऊंगा तो मार्किंग जरूर परफॉर्म होगी। लाइक यू कैन सी हियर भाई, कि टेलनेट का ट्रैफिक मैच हो रहा है और राउटर क्या परफॉर्म कर रहा है? मार्किंग। कल डिस्कस करूंगा कि क्लास मैप में और क्या वेरिएशंस है, ये क्लास मैप में मैच ऑल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है जी। और पॉलिसी मैप में आप और क्या क्या एक्शन ले सकते हो, पढ़ के आना ये जो आज पढ़ा है।